रिया रिया उठ जा, पापा 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 उठो, कम ऑन। अरे क्या हुआ बेटा, इस तरह सोता हुआ उठा के क्यों लेके आया मेरे को? अरे पापा आज कितना खास दिन है। खास दिन? आज ना तो हैप्पी न्यू ईयर है और ना 15 अगस्त है, तो क्या खास दिन है आज? अरे पापा आज हमारी मम्मी का मतलब आपकी पर्सनल पत्नी का बर्थडे है। क्या आज रामकली का बर्थडे? अभी जाऊंगा एक प्यारी सी झप्पी दूंगा और बोलूंगा हैप्पी बर्थडे रामकली। अरे पापा आप तो हमारा सारा क्लाइमेक्स और सस्पेंस ही खत्म कर दोगे। क्लाइमेक्स सस्पेंस? बेटा मैं कुछ समझा नहीं। पापा हमने मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है। अच्छा क्या प्लान बनाया बताओ तो। अरे अभी तो हम अंदर जाके सो जाएंगे और जब मम्मी सुबह उठेंगी और आपको बोलेगी कि मेरे लिए चाय बना के लेकर आओ, तो फिर पापा आप रिया दीदी को बोल देना, रिया दीदी मेरे को बोल देगी चाय बनाने के लिए और फिर मैं आपको बोल दूंगा। ठीक है आ जाओ आ जाओ। चाय बना लो। रिया बेटे चाय बना ला। ओए चाय बना के लेकर आ। पापा आप ही बना लाओ। सबके सब पागल हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं ये नहीं चाय बना लाओ। चल राम के लिए अपनी चाय खुद ही बना ले। ये किसी काम के नहीं तीनों के तीनों। वो रामकली क्या है? कुछ नहीं, हमने तो कोई प्लान ही नहीं किया। हमारे बच्चों ने भी कोई प्लान नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। क्या बकवास कर रहे हो सुबह सुबह? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। पागल कहेंगे? लगता है सारे के सारे पागल हो गए हैं। क्यों पागलों में बैठी है रामकली, अपना काम ही निपटा ले। मैंने कुछ नहीं बताया। चुपी रहो। क्या पापा अब तो हमारा सारा प्लान ही चौपट करने वाले थे। क्या करूं बेटा, खुशी इतनी हो रही है रहा नहीं जाता, कंट्रोल नहीं हो रहा। पापा खुशी तो हमें भी हो रही है, पर हमारे सीक्रेट प्लान को आप सीक्रेट ही रखना। बेटा एक केक लिख 1/2 kg का बढ़िया वाला। ओके दीदी। और बेटा वो रंग बिरंगी टोपियां। ओके पापा। और हाँ रंग बिरंगे बैलून्स भी बहुत सारे। ओके पापा। और हाँ मम्मी के लिए बर्थडे वाला मुकुट भी। ओके दीदी। और एक टॉफी का पैकेट भी लिख दे। ओके दीदी। और पापा आज सब कुछ स्पेशल हो रहा है तो आज खाना भी बाहर से ऑर्डर कर दूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन बेटा
इन सब में खर्चा कितना हो जाएगा? पापा 3,000। 3,000? ये तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा यार। अरे 3,000 रुपए बर्थडे पार्टी के लिए कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता। इनको किसने बताया? मैंने नहीं बताया बेटा। मैंने भी नहीं बताया। पापा कर दिया ना अपने प्लान चौपट, पक्का आप ही ने बताया होगा। अरे बेटा रामकली की कसम मैंने नहीं बताया उसको। दीदी पापा रामकली की झूठी कसम तो कभी भी नहीं खा सकते, चलो पता लगाते हैं। चल भाई। अरे मम्मी आपको बर्थडे पार्टी के लिए पापा ने बताई ना? नहीं। हा? तो दक्ष ने? अरे नहीं। मम्मी आपको पक्का रिया जी ने नहीं बताया होगा? नहीं। तुम लोग जानना चाहते हो ना कि मुझे कैसे पता चला? तो चलो फ्लैशबैक में। आज रामकली का बर्थडे, अभी जाऊंगा प्यारी सी झप्पी दूंगा, बोलूंगा हैप्पी बर्थडे रामकली। अरे मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अपना काम करने जा रही हूँ। मैंने नहीं बताया था। मैंने भी नहीं बताया था। आपकी वजह से ही तो पता लगा ना। लेकिन अरे हमारा सस्पेंस तो खुल ही गया ना। अरे बेटा कोई बात नहीं। हा? फिर भी हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे रामकली का बर्थडे। आओ चलो। अरे मेरा ही बर्थडे है, कहीं ये मेरे ही पैसे यूज ना कर ले। बड़े होशियार हैं सारे के सारे। हाँ? पहले ही छुपा देती हूँ। कहाँ छुपाऊँ? अरे ओजस्वी तुम? जीजू हमें पता लगा है आप कोई पार्टी कर रहे हो। हाँ वो आपने तो हमें बुलाया ही नहीं। आपके घर पे पार्टी और हम ना, ऐसा कभी हो सकता है? दीदी या खाने में तो सब कुछ मिलेगा ना, और सब कुछ फ्री का मिलेगा ना। हाँ मेरे साथ आयो, चिंता मत करो पूरी मौज मिलेगी। आयो रे माँ। अरे तुम? हाँ दीदी। अरे ये इतना प्यारा सा क्यूट सा बच्चा तुमने कब पैदा किया? हाँ? अरे दीदी मैं इसकी माँ नहीं हूँ। अच्छा तो ये इसका बेटा है? अरे नहीं दीदी, इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। तो फिर किसका बच्चा है? ये तो हमारा छोटा भाई है। छोटा? इतना छोटा? अरे दीदी अभी अभी लॉकडाउन में पैदा हुआ है। तुम दोनों बहनों तो ठीक है, और ये इतनी छोटी सी लड़की मुझे दीदी क्यों बोल रही है? कौन है ये? अरे ये मेरी छोटी बहन है, और ये सारे भी मेरे भाई बहन ही हैं। क्या? अरे साली साहिबा जी अपने माँ बाप का ध्यान रखो, वो लॉकडाउन का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हैं। Thank you.
अरे मम्मी, केक तो अंदर ही काटा था, ये क्या किया आपने? अरे चुप करो पागलो, अंदर अगर सारा केक काट देती ना, इतनी बड़ी जनसंख्या में उनका ही पूरा नहीं पड़ता। फिर अपनी फैमिली को तो भूल ही जाओ। अब क्या मम्मी, मेरा मतलब है इस जनसंख्या से कैसे छुटकारा पाए। अरे वो तुम छोड़ो उसको, मैं अपने आप मैनेज कर लूंगी, तुम लोग जाओ अंदर। दीदी उन्होंने तो कुछ खाने का ही दिया ही नहीं। अरे रुक जाओ, और माल रख के लाएंगे केक के साथ। फिर सही है। ये लो तुम सब खाओ। अरे चिंता मत कर, जो मिल रहा है वो तो खा, बाकी का बाद में देखते हैं। क्या दीदी, बस इतना सही दोगी हमें खाने को? मेरी प्यारी बहना, तुम हमारे घर में मेहमान हो। मम्मी मेहमान नहीं, बिन बुलाए मेहमान। अरे चुप करो तुम दोनों, बच्चे हैं कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ तो मैं कह रही थी आप लोग मेहमान हो, मतलब अतिथि, और हमारे यहाँ अतिथि देव भव है, मतलब मेहमान भगवान स्वरूप होते हैं, और भगवान को तो थोड़ा सा भोग लगाते हैं, बाकी सारा प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। आई थी बड़ी फ्री की पार्टी खाने, और वो भी बिना गिफ्ट के, वो भी पूरी फौज के साथ। फौज नहीं भाई, पूरी जनसंख्या थी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।